अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम जूली है और आज बड़ी मामी मैम हमारे पास आई हैं और हम सब ख्वाजा सराओं के लिए जो है वो माशाल्लाह एक बहुत प्लान भी करके आई हैं और वो हमें कमिट भी कर रही हैं कि हम आप लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज राशन ड्राइव भी देखे आई हैं। तो यहाँ पे हमारे मसला ये है कि हमें जॉब्स का लारा तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ से चले जाते हैं तो फिर वो जॉब हमें मिलती नहीं है। तो शीना जो है वो काफी देर से मुझे कह रही थी कि मुझे कुकिंग की जॉब चाहिए। तो मैंने शीना का बताते खुद खाना देखा है, आपका पका हुआ खा के। तो शीना बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप शीना का जॉब पे अगर हायर करेंगे तो आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं आएगी। काम भी माशाल्लाह बहुत तेज करती है, बहुत अच्छा सलीके मन करती है। और अरूज जो है ये सिलाई का काम करती है, लेकिन एट द एंड मशीन नहीं है इनके पास, दुकान नहीं है इनके पास, वो चीजें नहीं है कि भी किस तरह से ये सब प्लीज। और ये हमारी दो सूट तक के मेरे, ये हमारी माँ जो है ये अब 50 प्लस हो चुकी हैं। इनकी जो एज है वो 60 के करीब हो चुकी है, 70 साल की ये होगी। लेकिन ये भी सिलाई का काम बहुत अच्छा करती है, लेकिन अब इनकी नजरें उस तरह से काम नहीं करती कि ये उस तरह से काम करती। कटिंग तो कर सकती है, हाँ। नहीं, काम देखिए सारे नजदीक की अलग लगाई हुई है मैंने, देखिए कितने जबरदस्त हैं ये सारे, इतने टैलेंटेड लोग हैं। प्लीज प्लीज इनको काम दें, दे आर आस्किंग फॉर वर्क। और ये हमारे साथ है, आपका क्या नाम है? लुबना। मैं स्टॉल में करती हूँ सुपर मार्केट, और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, पुलिस वाले तंग करते हैं, चिड़िया वाले तंग करते हैं। तो मुझे परमिशन लेटर दिया जाए ताकि हम आकर आपकी रोजी कमा सके, खा सके, वरना हम जलील कुमार कब तक उतरेंगे इस माशरे में। कहते हैं कि मैं ज्यादा मैं आजाद नहीं है, अपने मुल्क में चोरों चाह रहते हैं हम, हमारा कोई जिंदगी का मसला नहीं है, कोई सुकून नहीं है, अपने मुल्क में चोरों चाह रह रहे हैं। तो फिर हम कहाँ आजाद हैं, कहाँ झंडे लगा किनारे क्यों लगाते हैं कि पाकिस्तान आजाद है? हम लोग कोई काम नहीं कर रहे ना, इतनी एनजीओ बनी है, इतनी एनजीओ बनी है, सब अपना अपना चूरन बेच रहे हैं और अपनी गाड़ियां कोठियां पराते खरीद रहे हैं, कोई हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। और दीदी हमारे लिए सब कुछ कर रही मैडम, हाँ क्यों नहीं, 2-3 साल से इधर रह रही है, हमारे साथ बहुत मदद करती है। इसके पास कोई भी आता है, जूली जी, कोई भी आता है हमें पैसे भी देती है, राशन भी वगैरह, किराया भी, और किसी वक्त हमें खाना भी खिला सकती है, और हमारे साथ बहुत जूली का नाम ना जैम होना चाहिए वैसे।